प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा को हम लोगों ने अनेक मंत्रों से प्रार्थनाओं के द्वारा हृदय की गहराइयों से भगवान माता गुरु के चरणों में अपनी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित की। जिस हाल में भी हो, जिस अवस्था में भी हो, आप महान पवित्र आत्मा को सदगति स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने की महान कृपा प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा को हम लोगों ने अनेक मंत्रों से प्रार्थनाओं के द्वारा हृदय की गहराइयों से भगवान माता गुरु के चरणों में अपनी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महान पवित्र पूज्य आत्मा की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, महान पवित्र आत्मा के ऋणों को कभी छुपाया ही नहीं जा सकता। महान पवित्र आत्मा ने इस दुनिया से जाने से पहले अपने कर्तव्यों को कार्यों को, और जब कोई दिया बुझने से पहले दूसरे दिए जलाया जाए तो उसे बुझा हुआ दीपक नहीं कहते। पूज्य माता जी ने इस दुनिया अक्टूबर टाइम एंड प्लेस विल लेट यू नो टुमारो इवनिंग हां जी उसमें यार मैं पेपर आल्सो बट इट विल बी ऑन थर्सडे इवनिंग मोस्ट प्रोबेबली विद इन 5 मिनट्स। अभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। अभी यहां से महान पवित्र आत्मा के ज्ञान प्यार संस्कार की जो ताप हृदय में जल रही है, महान पवित्र आत्मा सब हृदय में हमारे रागी भी अमर बनी रहे। जब भी हम उन्हें याद करेंगे तब आपके समक्ष ऐसी महान पवित्र आत्मा को जिन्होंने दुनिया से जाने से पहले अनेक पुण्य कर्म किए, दीन दुखियों की मदद की, परिवार और रोगियों के बनाया, उस महान पवित्र आत्मा के लिए हाथ जोड़ेंगे और उस महान पवित्र आत्मा को नमन करते हुए प्रार्थना बोली हुआ करें। एक मिनट का मौन महान पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना के रूप में। पिता तुमेव तुमेव बंधु च सगा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देवा। यह परिवार आप सभी का जीवन भर आभारी रहेगा। आप सब लोगों ने हर दुखी कठिन परिवार का साथ दिया है। अभी नहीं प्रार्थनाओं के साथ में प्रभु पारिवारिक जनों के दुखों को कम करे, महान पवित्र आत्मा को मुक्ति प्रदान करे। इस तरह से नमस्ते करते हुए आप हाथ जोड़कर जा सकते हैं। यहाँ की प्रार्थना पूर्ण होती है। ओम हम सारे भाई और बहन आपके बड़े आभारी है। Thank you very much for all of you. अभिषेक है जाओ।
चले रहा है कौन आया चल धवन का भाई है रोहित धवन गया था अंतिम विधि के लिए वो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं हाथ जोड़ करके परिवार के सदस्य हैं वो इस पंडित जी का शुक्रिया कर रहे हैं साथ ही में वहाँ दूर आपको गाड़ियों के मूवमेंट भी मैं दिखाना चाहूँगा अंतिम संस्कार जो लगातार बात करते हैं अंतिम संस्कार जो है वो उनका हो गया और अब एक एक करके जो परिवार के सदस्य हैं वो बाहर निकल रहे हैं देखिए पहली गाड़ी है इस गाड़ी के फ्रंट सीट पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको कौन बैठा है आलिया भट्ट को हम देख सकते हैं साथ ही में जो है सैफ अली खान करीना देखिए पहली गाड़ी है क्या इसके अंदर परिवार के अन्य सदस्य बैठे हैं दूर से भी जो है एक एक करके अब परिवार के लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं देखिए पहली गाड़ी में सैफ अली खान खुद गाड़ी चला रहे वो करीना वो जा रहे हैं
देखिए क्या संस्थान रूम से बाहर निकल रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा, कल उन्हें जब भर्ती कराया गया था अस्पताल में तब सांस लेने में उनकी समस्या थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी चिंटू अंकल, जो सब ज़्यादातर लोग उन्हें चिंटू अंकल के नाम करके बुलाते थे, चिंटू अंकल जो अपनी सबको वो चले जाएंगे। और आज घड़ी में पूरा देश उनके साथ और अब परिवार के सदस्यों को एक एक करके बाहर निकलते हुए आप देख करीबी मित्र है वो यहाँ से दिमाग लगा के निकल करा उनके पीछे गाड़ी आ रही है, गाड़ी में जो उनके परिवार के लोग हैं यहाँ पे देखिए रणधीर कपूर जो है वो इस गाड़ी में गए, इसके अलावा और एक मित्र यहाँ खड़े राजीव कपूर है जो हाथ जोड़कर जा रहे हैं यहाँ पर, ऋषि कपूर के छोटे भाई थे वो निकल गए यहाँ पर। दूसरी और एक गाड़ी आ रही है, देखिए गाड़ी में करीना कपूर और सैफ अली खान खुद गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, ये भी सुबह से अपने परिवार के साथ सैफ अली खान यहाँ पर आए थे। गाड़ी में करीना कपूर का साथ दे रहे थे, एक और गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी में जो जो परिवार के सदस्य बाहर निकल रहे हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से कपूर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं और वो वहाँ पर एक गाड़ी में बैठे अभिषेक बच्चन को आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से वो अब अपने बाकी का निकल गया रणवीर, निकल गया गाड़ी में दिखा रहे हैं रणवीर था रणवीर इस तरफ अभिषेक की गाड़ी में बैठे हाली अभी इधर बैठी है परिवार के अन्य सदस्य वो नहीं आ पाए थे, ऐसे में उनकी जगह पर बच्चन यहाँ पर आया था। गाड़ी निकल रही है, गाड़ी में परिवार के वो यहाँ से